साथियों, कुछ लोग राजनीति बदलने आए थे, उनका नकाब अब उतर चुका है, उनका असली रंग रूप और मकसद उजागर हो गया है। लेकिन याद है आपको, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब यही दिल्ली में देश की सेना पर हमारे वीर जवानों को कटघरे में खड़ा कर देने वाले लोग आए थे। ये लोग शक कर रहे थे कि हमारे जवानों ने आतंकियों को घर में घुसकर मारा भी है या नहीं मारा, सेना को सवाल पूछते थे। ये लोग देश की सेना पर शक करें, उसका अपमान करें, क्या ऐसी दिल्ली दिल्ली वालों ने कभी चाही थी क्या? साथियों, एक समय था जब दिल्ली में आए दिन आतंकी हमलों की वजह से बम धमाकों में निर्दोष लोग मारे जाते थे। देश के सुरक्षा बलों और दिल्ली के लोगों की सतर्कता से अब ये हमले होते हुए रुक गए हैं। लेकिन याद करिए, जब इन्हीं हमलों के गुनहगारों को दिल्ली पुलिस ने बाटला हाउस में मार गिराया तो उसे फर्जी एनकाउंटर कहा गया। यही वो लोग हैं जिन्होंने बाटला हाउस में आतंकियों को मारने पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। यही वो लोग हैं जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा रखने वाले को आज तक बचा रहे हैं। क्या दिल्ली के लोग ये भूल सकते हैं? भाइयों बहनों, इसकी वजह क्या थी? वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। कैसे लोग दिल्ली में विकास के लिए सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं? कतई नहीं दे सकते।